हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तरुण यादव और दोस्तों आज हम मध्यकालीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों इस संपूर्ण सेशन में हम लोग 2006 से लेकर 2020 तक के हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और ये सेशन दोस्तों तब तक चलेगा जब तक हम प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल नहीं कर लेते हैं। आप दोस्तों कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले हो भविष्य में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन जीएस के हमारे इसी सेशन से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सेशन को पूरा देखना है और साथ ही साथ इस सेशन को दोस्तों लाइक करते हुए जरूर चलिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और अगर आप चैनल पे पहली बार हमारे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हम आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला है अल हजाज, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ दोस्तों, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुसलमान ही थे, ठीक है ना। और 712 ईस्वी में, कब दोस्तों, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो कि एक अरब का निवासी था। और दोस्तों इसी समय पर सिंध का जो शासक था उसका नाम राजा दाहिर था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सुल्तान महमूद कहां का शासक था। चार ऑप्शन दिया गया है, पारस का, गजनी का, लाहौर का या अरब का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजनी। जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क सरदार, गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है ना। किसका, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जो महमूद गजनवी है वो यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। और दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए दोस्तों, 17 बार उसने आक्रमण किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजनी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं, आइए। कहता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। चार ऑप्शन दिया गया है, मोहम्मद महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। जी हाँ दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने हराया था। अब आइए तराइन की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुआ था, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में हुआ करता है और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ करता है। और इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो होता है विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन ठीक इसी के एक साल बाद 1192 में दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ करता है और दूसरा युद्ध भी दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ करता है। लेकिन इस मोहम्मद गौरी इस विजय में दोस्तों जीत जाया करता है, पृथ्वीराज चौहान जो होता है वो हार जाया करता है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन बना हुआ है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बनते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1193 ईस्वी में या रणथंभौर का युद्ध 1195 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में होता है। इसी युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा दिया करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है तराइन की पहली लड़ाई, दूसरा है तराइन की दूसरी लड़ाई, तीसरा है खानवा की लड़ाई, चौथा है पानीपत की लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तराइन की दूसरी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तराइन की जो पहली लड़ाई होती है 1191 ईस्वी में, इसमें तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन तराइन की जो दूसरी लड़ाई होती है उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके उसके क्षेत्रों पर अपना
कब्जा जमा लिया करता है 1192 ईस्वी में। और यही युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया करता है, ठीक है ना। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या करता है, ये पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर शासन करने वाले सभी एरिया को क्या कर लेता है, अपने अधिकार में ले लिया करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि तराई का जो दूसरा युद्ध है, तराइन का दूसरा युद्ध है, डैश के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका भी आप बहुत ही आराम से आंसर जवाब दे जाएंगे क्योंकि ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैं आपको प्रीवियस ईयर इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं बनता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देते हैं, ऑप्शन बदल दिया करते हैं, बस बाकी क्वेश्चन सेम होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, चार ऑप्शन है, सिकंदर तथा पोरस के बीच, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच, सी है अकबर तथा हेमू के बीच, और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हां दोस्तों, तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है ये मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, 1192 ईस्वी में लड़ा जाता है, और इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार जाया करता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और इसी युद्ध से ही दोस्तों मोहम्मद गौरी के दिल्ली पर आक्रमण का जो रास्ता होता है वो साफ हो जाया करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाया करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। चार ऑप्शन है, पृथ्वीराज, तृतीय ने, बघेल, भीम ने, जयचंद ने, या कुमारपाल ने। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी को पहली बार अहिनवाल्ड के शासक भीम सेकंड ने, किसने, बघेल भीम सेकंड ने 1178 ईस्वी में, कब दोस्तों 1178 ईस्वी में हराया करता है। इसीलिए जो बघेल भीम है ये पहले ऐसे राजपूत राजा हुआ करते हैं जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था, 1178 ईस्वी में हराया करता है, ठीक है ना। और बघेल भीम कहां के शासक थे दोस्तों, तो बघेल भीम दोस्तों अहिनवाल्ड के शासक थे, कहां के, अहिनवाल्ड के शासक हुआ करते थे, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। एक तरफ दोस्तों व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, एक तरफ दोस्तों आपको घटना के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। सही मिलान बताना है हमको। दिया हुआ है दोस्तों सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, बिल्कुल जी हाँ, ये आपका मिलान सही हो जाएगा, सुल्तान महमूद ने सोमनाथ को लूटा था। दूसरा है मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, नहीं ये गलत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये गलत हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, यह भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कह रहा है पहला और तीसरा, दूसरा कह रहा है केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल पहला, और चौथा ऑप्शन कह रहा है दूसरा और चौथा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में केवल जो सही मिलान है वो ऑप्शन नंबर ए का है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा केवल पहला, ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई थी, बाकी और जो सभी विकल्प हैं दोस्तों ये सुलेमन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उन क्वेश्चनों को हम हल कर लेते हैं जो दोस्तों आपके ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उस किताब का नाम दोस्तों किताब अल हिंद है। क्या है दोस्तों, किताब अल हिंद है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों तराइन का युद्ध पूछा जाए तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर पूछा जाए तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था तो वो भी 1191 में। अगर पूछा जाए तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो दोस्तों 1192 ईस्वी में, ठीक है ना। और किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। पहला युद्ध जो होता है दोस्तों उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और जो दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाया करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों तराइन का जो युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि दोस्तों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो दोस्तों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी दोस्तों अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का, अफगानिस्तान का शासक था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अलबरूनी फाहियान
सुआंग जांग तथा इत्सांग में कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो दोस्तों जो अल्बरूनी है, ये अल्बरूनी आपका भारत का चीनी तीर्थयात्री नहीं था। इसके अलावा आपके फाहियान, सुआंग और जांग, सुआंग और इत्सिंग, ये तीन के तीनों ही दोस्तों भारत में एक चीनी यात्री के तौर पर आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान तथा चौहान शासक कौन थे? तो दोस्तों 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड थे। कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड थे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? दोस्तों उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के द्वारा अल्बरूनी को दिया गया था। किसको दोस्तों? अल्बरूनी को दिया गया था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन यही पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड दर्ज है? तो दोस्तों चचनामा में अरबों द्वारा सिंध के विजय का रिकॉर्ड उसमें दर्ज किया गया है। ठीक है ना, तो ये थे क्वेश्चन कुछ आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों 2006 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों में। ठीक है ना, मतलब स्टार्टिंग का जो मध्यकालीन इतिहास का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितने क्वेश्चन बने थे दोस्तों आप लोगों को करा दिया गया है, अब इसके बाहर और कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है ना, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है चेंज करते, ऑप्शन चेंज करते, बाकी कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको किसी वीडियो में या किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको दोस्तों आपके डाउट्स को अपने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। जो चीज़ें आपको कभी समझ में नहीं है वो गारंटी है कि हमारे एक्सपर्ट टीम की मदद से आपको जरूर समझ में आएगी। और दोस्तों इन सभी वीडियोज़ का PDF पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको हमारे डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, डेली के न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें आपको दी जाती है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में जाकर के लिखिए IQ मेंटर, फॉलो कीजिए, वहां भी हमारे डेली पोस्ट के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बहुत ही नया और यूनिक सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करते हैं आज के सेशन को, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में हम हल करेंगे सल्तनत काल के क्वेश्चनों को। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद दोस्तों।